नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका वेदांत फैशन लिमिटेड के डिटेल डिस्कशन में दोस्तों स्वागत करता हूं, जहां पे हम डिटेल जानकारी वेदांत फैशन की लेंगे। और हम लोग सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये किधर खुलेगा, किधर जाएगा, हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पैसे बनेंगे कि नहीं, हम इसे टाइटन, पेज, रिलैक्सो जैसी कंपनी से भी कंपेयर करके दोस्तों देखेंगे। सो रेडी हो आप लोग? चलिए दोस्तों, गेट रेडी फॉर दिस डिटेल्ड डिस्कशन। वेदांत फैशन लिमिटेड, यानी अगर आप लोगों ने मान्यवर या मोहे ब्रांड नेम का नाम सुना है, तो जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है, मान्यवर या मोहे। यस, वेदांत लार्जेस्ट कंपनी है भारत की, मेंस इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर के सेगमेंट में। दोस्तों यहां पे आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम ऑफर के बारे में जानकारी लेंगे, हम कुछ फाइनेंशियल इन्फो लेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर जानेंगे, बेसिस ऑफ द ऑफर जानेंगे, इंडस्ट्री का पूरा ओवरव्यू जानेंगे, हम वेदांत कंपनी के बारे में माहिती लेंगे, हम इसको रेट करेंगे, पीयर ग्रुप के साथ थोड़ा खेलेंगे, और फिर हम देखेंगे कि यस, ये कंपनी लंबे समय के लिए कैसी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ऑफर की जानकारी ले। दोस्तों जो ऑफर है वो करीबन 3.6 करोड़ शेयर्स की है, 866 कीमत पे हमें ये ऑफर किया जा रहा है। तो इससे क्लियर हमें पता चल रहा है कि 3149 करोड़ का ये आईपीओ है। ये 3149 करोड़ फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, यानी पुराने जो स्टेक होल्डर है वो यहाँ पे सेलिंग शेयर होल्डर है, प्रमोटर राइन होल्डिंग केदार, ये जो पुराने स्टेक होल्डर है ये अपने शेयर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर या निवेशकों को देंगे, राइट। तो जो पैसा है 3149 करोड़, ये कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये पैसा जाएगा इन स्टेक होल्डरों के पास। दोस्तों राइन होल्डिंग, जिन्होंने करीबन 166 रुपीस पे निवेश किया था, जरा अंदाजा लगाइए, इन्होंने 5 साल पहले निवेश किया था, आज वही 166 रुपीस का शेयर हम 866 में क्यों ले रहे? क्योंकि जब ये लोगों ने निवेश किया था तब कंपनी बहुत छोटी थी, आज कंपनी के धंधे बढ़ चुके हैं, स्टोर बढ़ चुके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ चुकी है, तो अब हम यही कंपनी 866 पे ले रहे हैं। सो नो डाउट अबाउट इट, दैट्स ग्रेट थिंग। अब हम दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल इन्फो की जानकारी लेंगे। दोस्तों एसेट और इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यानी कि बैलेंस शीट अगर हम देखें तो ये एसेट्स हैं और यहाँ पे कंपनी की इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। तो सबसे पहले अगर हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज देखें तो कंपनी की पेड अप इक्विटी 24 करोड़ यानी 24 करोड़ की है, जो हमें ये बताती है कि स्टेक होल्डरों ने करीबन 24 करोड़ का निवेश किया हुआ है। टोटल इक्विटी 859 करोड़ की है। टोटल इक्विटी में दोस्तों अब तक की जो कंपनी ने प्रॉफिट किए हैं वर्षों से, तो उनकी रिटेन्ड अर्निंग भी ऐड हो गई। इनके अलावा जब दूसरे नए स्टेक होल्डर आए, नए इन्वेस्टर आए, उन्होंने पैसा डाला होगा, उसके पैसे आए होंगे, तो टोटल इक्विटी 859 करोड़ की है, जो एक जमाने में 24 करोड़ होगी, राइट। तो 24 करोड़ की पेड अप इक्विटी, टोटल इक्विटी 859 करोड़, राइट। इनके अलावा मैं करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से कंपेयर करूं तो देखिए दोस्तों, करंट एसेट 796 करोड़ है, लायबिलिटी में आ जाओ, करंट लायबिलिटी 295 करोड़ है, तो मुझे सीधा पता चलता है करंट रेशियो 2.7 है, जो कि फेवरेबल है, राइट। इनके अलावा अब टोटल लायबिलिटीज कंपनी की 586 करोड़ की है। अगर मैं टोटल लायबिलिटी को कंपनी के टोटल एसेट से कंपेयर करूं तो टोटल एसेट्स 1446 करोड़, टोटल लायबिलिटीज 586 करोड़, राइट। तो डेब्ट रेशियो भी जो होता है ये भी फेवरेबल है, तो कोई दिक्कत की बात इनकी बैलेंस शीट में नहीं है।
बोरोइंग देखें तो जीरो बोरोइंग है, यानी ये डेट फ्री कंपनी हुई, राइट। लीज लायबिलिटी जरूर हमें यहां पे दिखाई दे रही है, कैन यू सी लीज लायबिलिटी कंपनी में, हियर यू कैन सी 828 करोड़ की है। अब लीज लायबिलिटी यहां पे इसलिए है दोस्तों क्योंकि कंपनी जो है ये रेंटल बेसिस पे अपने ईबीओ अपने जो स्टोर ओपन करती है, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कोई भी कंपनी जो स्टोर फॉर्मेट में होगी उनकी लीज लायबिलिटी तो होगी, तो लीज लायबिलिटी को भी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और एसेट्स में अगर हम कैश देखें, 4.3 करोड़ का कैश, बैंक बैलेंस 50 लाख, एवरीथिंग इज नॉर्मल। ट्रेड रिसीवेबल एक थोड़ा हाई दिख रहा है 400 करोड़ का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान हमें देना होगा, राइट। बाकी ओवरऑल इक्विटी लायबिलिटीज एंड एसेट्स सब देखे, एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड इट्स गुड, राइट फ्रेंड्स। इनसे अगर हम आगे बढ़ के अगर इनकम स्टेटमेंट में आए दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में सीधा 2019 का अगर हम सेल्स देखे दोस्तों 800 करोड़ का था, जो 2020 में बढ़ के 916 करोड़ का हुआ। तो यहां से सीधा पता चलता है सेल्स आर ग्रोइंग। हम यही उम्मीद भविष्य में भी रखेंगे कि धंधे इनके बढ़ते जाएंगे। 2021 के सेल्स पे ध्यान न दो क्योंकि ये कोरोना अफेक्टेड ईयर था। सेल्स के बाद अगर हम फिनांस कॉस्ट पे आए तो देखिए फिनांस कॉस्ट हमारे सामने है, करीबन 26 करोड़ का फिनांस कॉस्ट कंपनी का आता है। फिनांस कॉस्ट यानी ये केस में बोरोइंग तो है नहीं तो ये लीज लायबिलिटी है। तो साल का 26 करोड़ रुपया ये सारे जो स्टोर्स हैं इनकी लीज ये कंपनी की आती है, जो चलो नॉर्मल है। अब करीबन 1000 करोड़ के धंधे में से 25 करोड़ अगर हमारे लीज पे जाते हैं तो इट्स नॉट अ हार्ड थिंग। सारे खर्चे निकाल के दोस्तों प्रॉफिट कंपनी जो करती है वो करीबन यू कैन सी 2019 के प्रॉफिट आपके सामने है 177 करोड़, 2020 के प्रॉफिट 237 करोड़, सो एवरीथिंग इज गुड। प्रॉफिट मार्जिन 25% के है, बहुत ही बढ़िया है। डेट पेइंग कैपेसिटी कंपनी की 12 है, अगेन दैट्स ग्रेट, राइट। अच्छी डेट पेइंग कैपेसिटी, अगर ये 20 होती तो हम इसे और बढ़िया कहते, राइट। लेकिन चलो थोड़ा समय दे सकते हैं, आने वाले समय में उम्मीद रखेंगे कि डेट पेइंग कैपेसिटी 20 तक इनकी आ जाए। तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों को अगर क्लब करें, हम कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट इनके पॉजिटिव है, कैश फ्लो पॉजिटिव वाली ये कंपनी है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, राइट। बार बार प्रमोटर्स को नया फंड लाने की जरूर यहाँ पे नहीं पड़ रही है, राइट। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर देखें, ऑब्जेक्ट देखने की जरूर नहीं है वैसे, क्योंकि वैसे भी कोई फंड आपकी कंपनी के पास आने वाला नहीं है, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। पुराने स्टेक होल्डरों के लिए ये एग्जिट का समय है, उन्होंने शेयर लिए थे 5 साल तक रहे और कुछ वो यहाँ पे अपने शेयर को लिक्विड करेंगे, जो बिल्कुल बुरी बात नहीं है, इट्स ऑल राइट। अब चौथी चीज बेसिस ऑफ ऑफर पे अगर हम आ जाए, किस बेस पे इन्होंने 866 का प्राइस रखा है। चलो अगर बेस देखे तो बेस दो प्रकार की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। पहले हम क्वालिटेटिव फैक्टर अगर देखें तो मार्केट लीडरशिप है इस कंपनी के पास। ये लोग दोस्तों इंडियन सेलिब्रेशन वेयर का जो मार्केट है इसमें लीडर है, डाइवर्स पोर्टफोलियो है इनके पास, सो दैट्स गुड थिंग। दूसरा, वेडिंग पे इनका फोकस है और वेडिंग को आप इंडिया में कम मत समझो, वेडिंग इंडिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है, राइट। तीसरा, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट लाइट मॉडल है, ये अच्छा धंधा कर पा रहे हैं अपने स्टोर के द्वारा। चौथा, मल्टी चैनल नेटवर्क ईबीओस के भी द्वारा, इनके अलावा लार्ज फॉर्मेट स्टोर के द्वारा, ई कॉमर्स के द्वारा, मल्टी चैनल नेटवर्क से ये लोग दोस्तों बिजनेस को कर पा रहे हैं। सो क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऑल आर ग्रेट। हम आगे अगर क्वांटिटेटिव फैक्टर पे बात करें यानी डायरेक्ट फिगर पे, दोस्तों ईपीएस कंपनी की 9.45 रुपीज है, ये मैंने 2020 की ली हुई है। तो एक बात क्लियर है, मैं 866 दे रहा हूं, मुझे क्या मिलता है, मेरे को 9.45 रुपीज मिल रहा है, दैट्स टेल्स मी कि ये पॉजिटिव कैश फ्लो की कंपनी है।
866 पे 10 रुपया तो मिल रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, पर अगर इसे मैं वैल्यूएशन पे रखो यानी पी देखो तो वैल्यूएशन हाई है दोस्तों। 92 का ये पीई हुआ जो महंगा है, कोई डाउट नहीं है उसमें। मैं यील्ड देखो कि मैं 900 दे रहा हूं, मुझे 9.45 रुपीज मिल रहा है, यानी करीबन 1% की यील्ड हुई, जो अगेन कम है। तो हमें ये मानना पड़ेगा वैल्यूएशन कंपनी के थोड़े हाई है, पर इसके साथ में ये भी कह सकता हूं देख दोस्तों कि पेज भी कभी सस्ती नहीं मिली, टाइटन भी कभी सस्ती नहीं मिली। अगर कंपनी सही में स्ट्रॉन्ग क्वालिटी में हुई तो हो सकता है मेगा वैल्यूएशन पे हो, पर फिर भी मुझे भविष्य में जब अच्छे मौके मिले सस्ते भाव पे लेनी चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्क दोस्तों 22% की है, जो बहुत ही बढ़िया है। ये कहती है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन नेटवर्क। एनएवी यानी इसे हम बुक वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, एनएवी कंपनी की 935 रुपीज की है, 36 रुपीज, तो 24 गुने एनएवी पे मैं खरीद रहा हूं, ये महंगा है दोस्तों। हमें क्लियर मानना पड़ेगा क्वालिटी क्वांटिटी फैक्टर अच्छे हैं, पर वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा होंगे, तो भविष्य में हम ध्यान रखें, जब हमें अच्छे मौके मिले तब हम इसे बाय जरूर करें। मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट की जरूर यहाँ पे उम्मीद रखूंगा, आने वाले 10 साल में ग्रोथ की भी दोस्तों यहाँ पे उम्मीद रखूंगा, राइट। सो दिस वर अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर। इंडस्ट्री ओवरव्यू दोस्तों अब हम जरा चेक करेंगे कि क्या ये इंडस्ट्री ग्रो करे ऐसी लगती है कि नहीं। दोस्तों कोई भी कंपनी का धंधा बढ़ेगा कि नहीं ये जानने के लिए हमें इंडस्ट्री देखनी होती है, और इंडस्ट्री अगर हम देखें तो ये लोग माल किधर बेचते हैं, इंडिया में। इंडिया का जो ग्रोथ है वो आपके सामने है, कोई डाउट नहीं है, इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस सेंचुरी की। 2021 में इंडिया सबसे तेजी से दौड़ने वाला इकोनॉमी है। अभी पेंडेमिक में नेगेटिव ग्रोथ आया, पर वापस रेडी हो जाओ, वापस आने वाले 10 साल में इंडिया वुड बी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है अर्बनाइजेशन। दोस्तों ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि अर्बनाइजेशन भारत में 2030 आते आते 40% पहुंचेगा। ये डेटा आपके सामने है। 1960 में अर्बनाइजेशन खाली 18% था, यानी 18% लोग ही शहर में रहते थे, बाकी के लोग रूरल में रहते थे। दोस्तों आज का डेटा देखें 2020 का, तो 35% लोग यहाँ पे अर्बन में आ चुके हैं, पर फिर भी दुनिया के मुकाबले ये बहुत ही कम है। पूरा वर्ल्ड ओवरऑल अर्बन हो चुका है, पर इंडिया अभी भी रूरल है। पर आने वाले समय में ये उम्मीद है कि दोस्तों अच्छे जॉब की तलाश में, अच्छे एजुकेशन को ध्यान में रख के फैमिली मेंबर अर्बन में आएंगे। हो सकता है उनकी फैमिली रूरल में ही हो, पर अर्बन में सेट हो कि वो अपने फैमिली को भी बुलाएंगे। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हम देखेंगे कि 40% हम भारत को अर्बन देख सकते हैं, राइट। तो अर्बनाइजेशन एक इंडिया को जबरदस्त बूम देगा। इनके अलावा दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की जो मीडियन एज है वो दूसरी जो मेजर इकोनॉमी है उनके मुकाबले इंडिया बहुत ही यंग कंट्री है। दोस्तों आप देख सकते हो 2015 का भी अगर हम डेटा देखें तो इंडिया वर्ल्ड जो है ग्लोबल, ये करीबन ग्लोबली 30 साल की एवरेज एज थी, उनके मुकाबले इंडिया 27 ईयर का था, राइट। भारत यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी है। हम 1970 का जमाना देखें तो उस समय भी इंडिया, चाइना, ब्राजील, हम सब यंग थे। दोस्तों पूरा वर्ल्ड 1970 में 22 साल की एज का था, तो हमने देखा पूरी दुनिया का ग्रोथ वो समय पे जबरदस्त हुआ। दोस्तों वो समय हमारा ग्रोथ नहीं हुआ था, वो समय हम लोग इमरजेंसी और कुछ अलग अलग मोड में थे, राइट। हमने 1991 के बाद लिबरलाइजेशन करने के बाद भारत का सही में ग्रोथ हुआ है, राइट। तो भारत का ग्रोथ 2000 के बाद 5वें गियर पे है। हम अभी देख सकते हैं कि जब से हमने लिबरलाइजेशन किया
पिछले 20 सालों में भारत ने जबरदस्त ग्रोथ किया है। तो एक प्रूवन चीज है, चाइना भी यंग था, इंडिया भी यंग था। चाइना ने स्टेप लिए 1980 में, हमने नहीं ली। तो इंडिया एक हिडन पोटेंशियल वाला कंट्री रहा, जिसमें पोटेंशियल था ग्रोथ का, पर हम ग्रोथ नहीं कर पाए। चाइना ने जबरदस्त ग्रोथ किया, वो हमसे 5 गुना आगे निकल गया खाली 20 सालों में। अब हमने 2000 में सारे स्टेप लिए, तो 2000 के बाद हम भी 5वें गियर पे आ गए, हमने भी जबरदस्त ग्रोथ किया। तो ये हिडन पोटेंशियल अब रियल पोटेंशियल हो चुका है। हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में दोस्तों 2030 तक भी भारत ही मेजर इकोनॉमी में यंगेस्ट रहने वाला है। तो ह्यूज ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया। दोस्तों करीबन 32% भारतीय पॉपुलेशन 20 से 39 की एज में आती है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी जो वेदांत जो कंपनी है, ये मैरिज रिलेटेड बिजनेस में हुई। कौन सा ड्रेस दे रहे? मैरिज रिलेटेड। तो दोस्तों इनका बड़ा मार्केट मैरिज वाले लोग हैं। तो मैरिज वाली एज कौन सी हुई? यही हुई ना, 20 to 39 ईयर ओज। तो भारत एक वैसे भी टारगेट मार्केट है, राइट? हम बहुत मैरिजेस देखने वाले आने वाले 10 सालों में, राइट? अब रिव्यू ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। दोस्तों पीएफसी एक इंडिकेटर होता है, देखा जाता है अलग अलग कंट्री में ये देखने के लिए कि कंजप्शन कितना है। दोस्तों भारत का वैसे भी डोमेस्टिक कंजप्शन हाई है, हम ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 50% तो कंज्यूम कर ही लेते हैं, राइट? 2020 यू कैन सी पीएफसी वाज अराउंड 83%। 5.5% के ग्रोथ से हमारा कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। ये उम्मीद है आने वाले 5 सालों में और तेजी से बढ़ेगा, 7.5% से ये बढ़ेगा। सो ओवरऑल यस, ह्यूज इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू ग्रो टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस पीएफसीई। यहाँ पे 2 प्रकार के कंसेप्शन होते हैं, एक होते बेसिक आइटम और एक होते डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। दोस्तों अगर आप 100 रुपया कमाते हो तो आपका ज्यादातर खर्चा किधर होता है? बेसिक इनकम पे, राइट? अब इंडिया एक एवरेज जीडीपी पर कैपिटा का कंट्री है, तो भारत में दोस्तों बेसिक आइटम पे खर्चा ज्यादा होता है। आप देखते हो 2020 में करीबन 60% अभी भी हम बेसिक चीजों पे खर्च करते हैं, पर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी करते हैं। दोस्तों अभी 40% स्पेंडिंग हमारी डिस्क्रिशनरी है। अर्बन एरिया में ये और ज्यादा होती है क्योंकि अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों की इनकम ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा पैसा डिस्क्रिशनरी पे खर्चते हैं। आने वाले समय में हमारी इनकम और बढ़ेगी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगा, ये दोस्तों बूस्ट करेगा ऐसे सेक्टर को। तो क्लोथिंग और फुटवेयर का जो सेक्टर है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर एक्सपेंडिचर लॉज्ड अप्रोक्सीमेटली 11% ग्रोथ पिछले 8 सालों में, 11% ग्रोथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आने वाले समय में हम 11% का ग्रोथ दोस्तों देखने वाले हैं। बढ़िया ग्रोथ क्लोथिंग और फुटवेयर दोनों में ही आएगा। दोस्तों करीबन पिछले साल अगर 5,500 रुपया आपने क्लोथ और फुटवेयर के पीछे खर्चा है, राइट? हम कैसे कहते हैं, 1.5 लाख रुपए की एवरेज इंडियंस की इनकम है, उसमें से 5,241 रुपीज आपने क्लोथ और फुटवेयर पे खर्चा, उसमें से 80% रुपया आपने क्लोथिंग पे खर्चा है और 20% आपने फुटवेयर पे खर्चा है, दोनों में ही तगड़ा ग्रोथ देखेंगे, राइट? क्लोथिंग और फुटवेयर, ये दोनों में ग्रोथ दोस्तों अच्छा आएगा, तो दोनों ही कंपनी को फायदा होगा। ओवरव्यू अगर हम अप्रैल रिटेल मार्केट का देखें, पिछले 5 सालों में आप देख सकते हो करीबन 9% का ग्रोथ था। अब पिछले 5 सालों में भारत का भी ग्रोथ बहुत कम था, खाली 5% था, तो ये इंडिया से डबल स्पीड से अप्रैल मार्केट बढ़ रहा है। आने वाले 5 सालों में भारत 9% से बढ़े ऐसी उम्मीद है, पर देखो आपका अप्रैल मार्केट से उम्मीद की जा रही है ये
18 से 20% से ग्रोथ करेगा। तो अभी ये जो आपका मार्केट है 5.6 ट्रिलियन का, ये करीबन 8.2 ट्रिलियन होने वाला है। ह्यूज ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस अप्रैल मार्केट। क्यों दोस्त, उसके क्या कारण है? नंबर वन कारण, यंग डेमोग्राफिक्स इन इंडिया, भारत एक यंग कंट्री है। दूसरा कारण, राइजिंग अर्बनाइजेशन। तीसरा कारण, राइजिंग शेयर ऑफ वुमेन। दोस्तों वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है जो आपकी हाउस होल्ड इनकम को सपोर्ट करता है। जब वुमेन पैसा कमा रही होती है आपकी इनकम ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, तो स्पेंडिंग पावर आपका बढ़ जाता है। शिफ्ट टूवर्ड RMG, पूरा शिफ्ट हो रहा है दोस्तों भारत में रिटेल मार्केट की और। डीपर पेनिट्रेशन ऑफ ब्रांडेड प्लेयर। दोस्तों आने वाले समय में ब्रांडेड प्लेयर जो है उनको ज्यादा धंधा मिलेगा, क्योंकि आप जब अच्छे पैसे कमाओगे तो आप ब्रांड ही मानते हो। इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ फैशन ट्रेंड। दोस्तों लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, अब लोगों को फैशन ट्रेंड की और पता है, उनको ब्रांड चाहिए वहां पे। इंक्रीजिंग रिटेल पेनेट्रेशन। रिटेल भी पेनेट्रेट होता जा रहा है, पहले वो खाली मेगा सिटी में था, तो शॉपर स्टॉप जाना चाहते थे तो वो खाली मेगा सिटी में जाते थे, अब देखो मेट्रो में भी आ गया है, दूसरे शहरों में आ गया है। धीमे धीमे ये जो सारे स्टोर है ये फैलते जा रहे हैं, राइट। और ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है जो रूरल हो या अर्बन दोनों को ज्वाइन करता है। तो ये सब कारण है जिनके कारण 18-20% का ग्रोथ आपको रिटेल में मिलेगा दोस्त, राइट। अब दोस्तों ये बात तय हो गई है कि अप्रैल मार्केट को ग्रोथ तगड़ा मिलने वाला है। अप्रैल मार्केट में ज्यादा खर्चा कौन करता है? मैन वुमन की किड, आप क्या कहते हो? ये मैंने पहले भी बहुत बार पूछा हुआ है, देखो ये आपके सामने ही डेटा है। लोग कहते हैं कि वुमन को शॉपिंग बहुत पसंद होती है, लेकिन वुमन शॉपिंग पे जाती है पर वो कपड़े तो मैन के लाती है। यार दैट्स ट्रू। अब देखो 44% 2020 के हिसाब से 42% करीबन कितना है मेंस मार्केट है अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों मेंस मार्केट से थोड़ा कम वुमन का मार्केट है और वुमन मार्केट से कम किड्स का मार्केट है। तो सबसे कम कपड़े किड्स के आ रहे हैं, राइट, सबसे ज्यादा कपड़े मेंस के आ रहे हैं। तो मेन बड़ा मार्केट है। हमने देखा अप्रैल मार्केट ग्रोथ करेगा तगड़ा 20% का, पर उसमें बड़ा मार्केट कहाँ है? किधर मैं फोकस करूं? मेरे को मेंस वाली कंपनी पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि बड़ा टर्नओवर वो कंपनियां करती है, राइट फ्रेंड्स। तो अब मेन अगर टर्नओवर बढ़िया करेंगे, सो लेट अस लुक अभी मेंस या वुमेन्स के जो अप्रैल्स में है उसमें क्या चल रहा है। मेंस में एथनिक वेयर भी एक फैशन बनता जा रहा है, करीबन इनके 70% मार्केट है। द शेयर ऑफ एथनिक वेयर सेगमेंट इन ओवरऑल मेंस वेयर स्टैंड्स एट 7%। सारीज का जो ग्रोथ है वो थोड़ा म्यूटेड रहे ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रेडिशनल, अब जैसे सलवार कमीज लहंगा इन्हें इंडो वेस्टर्न फ्यूजन जिसे हम कहते हैं, ये ईज ऑफ वेयर होता है। ज्यादातर वुमन, वर्किंग वुमन अभी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ये सलवार कमीज या फ्यूजन वेयर की ओर आकर्षित करता है। तो आने वाले समय में हम इन चीजों का भी धंधा बढ़ता हुआ देखेंगे। अब चलो देखें कौन सी कंपनी का कितना धंधा है अलग अलग सेगमेंट में देखना है। देखो पहले हम देखेंगे मैन सेगमेंट, क्योंकि बड़ा धंधा किसका है? मेंस का है। दोस्तों मैन सेगमेंट में एक सेलिब्रेशन वेयर करके एक सेगमेंट है। अब ये दुनिया भर में नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सेलिब्रेशन के लिए भी वही कपड़े होते हैं सूट। इंडिया में सेलिब्रेशन ट्रेडिशनल कपड़ों का होता है, क्योंकि इंडिया कोई 300-400 साल पुराना कंट्री नहीं है, हजारों साल से भारत में ट्रेडिशन चलते आए हैं। तो जनरली सेलिब्रेशन वेयर एक बड़ा सेगमेंट है, यहां पे लोग पसंद करते हैं अलग अलग सेलिब्रेशन में अलग अलग ट्रेडिशनल कपड़े पहनना। तो सेलिब्रेशन वेयर में दोस्तों कोई ग्लोबल ब्रांड है ही नहीं। सेलिब्रेशन
वेयर में इंडियन ब्रांड, डोमेस्टिक ब्रांड है और सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी नंबर वन है अपना मान्यवर, यानी वेदांत कंपनी जिसकी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। रेमंड एथनिक्स ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है, जहां पना है, मीमाज है, मंथन है, त्वमेव, अब ये दोनों भी आप जानते ही हो किसका है, राइट, स्वयंवर, सो दीज ऑल आर डिफरेंट कंपनीज। तो तगड़ा मार्केट किसका, वेदांत का। शर्ट ट्रोजर्स वेस्टर्न कैजुअल, यहाँ पे बड़ा मार्केट रेमंड, किलर, एरो, लॉमेन, इन सब कंपनियों का है। इनरवेयर देखे तो इनरवेयर में बड़ा मार्केट आपके जॉकी का है और बाकी भी बहुत सी कंपनियां हैं, राइट। जो ग्लोबल ब्रांड है वो इंडिया में सेलिब्रेशन वेयर में नहीं है पर शर्ट ट्राउजर में है। ग्लोबल ब्रांड में H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर, वैन हसन वगैरह वगैरह है, राइट। अब चलो हम लोग इसी के साथ वुमन्स वेयर भी देखें, तो वुमन वेयर में जो डोमेस्टिक ब्रांड है वो आपकी मोही के पास एक मार्केट है, मोहे यानी यस वेदांत की कंपनी आपकी जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। नली सन सारिस इनका मार्केट है, नीरूस बड़ा नाम है इनका, सत्यापॉल, सब्याजी, मेबाज, ये सब सेलिब्रेशन वेयर की डोमेस्टिक कंपनी में हुई। अगेन ग्लोबल ब्रांड भी तो पता ही नहीं है, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। इनके अलावा कैजुअल एथनिक वेस्टर्न स्टॉप है, ग्लोबल देसी, फैब इंडिया, डब्ल्यू, बीबा, ऋतु कुमार वगैरह वगैरह लंबी लाइन है। वेस्टर्न वेन में अलन सॉली, A&D, फ्रैटिनी वुमेन। इनर वेयर में वुमेन्स में जॉकी, लवेबल लिंजरी वगैरह वगैरह, राइट। तो यहां पे भी दोस्तों इंडियन कंपनियों का नाम है, राइट। ब्रांडेड एपरल मार्केट दोस्तों, यहां पे हमने कहा कि चलो रिटेल तो बढ़ने वाला है 18-20% से, लेकिन रिटेल में अप्रैल अप्रैल टोटल अप्रैल में ब्रांड की जब बात आती है, अब देखो यहाँ पे ब्रांडेड सेगमेंट जो है वो कम हिस्सा है उनका, 2015 में खाली 18% था, बाकी 82% नॉन ब्रांडेड का माल बिकता था, पर जैसे धीमे धीमे लोग ब्रांडेड की ओर आ रहे, देखो आज 30% मार्केट ब्रांडों का हो चुका है, ब्रांड्स का, अनब्रांडेड 70%। आने वाले समय में देखो 2025 तक 35% ये लोग पहुंच जाएंगे, तो पिछले समय में भी ग्रोथ है, आने वाले समय में भी हम 12-13% का ग्रोथ ब्रांडेड कंपनियों का देखेंगे, तो अच्छा ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे होना है। यहाँ पे दोस्तों करीबन अगर आप टोटल अप्रैल का इंडस्ट्री देखो तो चलो ये 8.2 ट्रिलियन की होने वाली है, जो आज 5.6 ट्रिलियन है, 60% से बड़ी है, 8% से बढ़ने वाली, पर इसमें एथनिक वेयर जो है यहां पे जो ब्रांडेड पेनेट्रेशन है वो 12-14% से बढ़ने वाला है। सो यस, हम ग्रोथ थोड़ा एथनिक वेयर में ज्यादा देखेंगे। इंडियन वेडिंग का जो ब्रांडेड पेनिट्रेशन है, ये दोस्तों ब्रांडेड इंडियन वेडिंग की जो इंडस्ट्री है ये इन सबसे ज्यादा 18-20% से बढ़ने वाली है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ किधर हम लोग देखने वाले, इंडियन वेडिंग में, यानी बैंड बाजा धूम निकलने वाला है, राइट। क्यों हम देखेंगे दोस्तों, डोमेस्टिक एथनिक वेयर रिटेल अप्रैल मार्केट साइज जो भी हमने देखी कि 9% पिछले 5 साल में बढ़ा, अभी ये जो मार्केट है वो 1.8 ट्रिलियन का है, आने वाले सालों में यहाँ पे ग्रोथ तगड़ा 14-15% का देखेंगे और ये इंडस्ट्री 2.4 ट्रिलियन की हो जाएगी। सो ह्यूज ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन डोमेस्टिक एथनिक वेयर कंपनीज। सेल्स किधर से लाती है ये सब कंपनियां दोस्तों, बहुत ही क्लियर है, जो ब्रांडेड प्लेयर होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम हमारे एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से माल बेचें, तो वो ईबीओ के द्वारा बढ़ते हैं, मल्टी ब्रांड आउटलेट एमबीओ के द्वारा भी बढ़ते हैं, साथ में फॉर्मेट स्टोर होते हैं LFS लार्ज फॉर्मेट स्टोर के द्वारा और ई कॉमर्स के द्वारा। यहाँ पे जो
मास से मिड सेगमेंट पे फोकस करने वाली जो कंपनियां हैं वो सोचेगी मैं मेरा ज्यादातर एलएफएस के से और एमबीओ से धंधा करूं, जबकि जो प्रीमियम सेगमेंट पे फोकस करने वाली कंपनियां हैं जिसमें मान्यवर आती है, फेब इंडिया, ऋतु कुमार, ये लोग खुद के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट पे फोकस करते हैं, तो वो लोग ईबीओ के जरिए धंधे करते हैं। तो टोटल अगर हम एथनिक ब्रांड देखें, देखो 40% धंधा लार्ज फॉर्मेट स्टोर से आता है जहां पे इतना निवेश नहीं होता है, पर दूसरा 40% धंधा ईबीओ से आ रहा है जहां पे निवेश करना पड़ता है खुद के ब्रांड आउटलेट से। एमबीओ से आप देख सकते हो करीबन 15% धंधा और ई कॉमर्स खाली 5%, तो उसका इतना बड़ा रोल नहीं है यहाँ पे, राइट। अगर हम ओवरव्यू देखें इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर मार्केट भारत का, तो ये आपके सामने है। 57% टर्नओवर इंडियन वेडिंग देता है, 43% कैजुअल एथनिक वेयर आता है। मैं वापस कह रहा हूं, इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन को लाइटली मत लेना। इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन यानी वेडिंग, एक तो इंडिया में ढगलो होते हैं करीबन करोड़ वेडिंग साल में, दूसरा वेडिंग में अगर कोई खर्चा करता है तो कौन खर्चा करता है, मतलब कौन कपड़े लेता है, तो खाली दूल्हा नहीं लेता है। वो अनिल कपूर का एक फेमस डायलॉग है, मेरी शादी नहीं हुई है पर लोगों की बारात में मैं नाचा बहुत हूँ, लोगों की बारात में नाचने के लिए भी तो अच्छे कपड़े चाहिए। तो जस्ट अंदाजा लगाओ, शादी हुई तो खाली दूल्हा नहीं कपड़े लेगा, बराती लेंगे ना, चाचा लेंगे ना, मामा लेंगे ना, मम्मी पापा लेंगे, तो ये बड़ा मार्केट बन जाता है। उसके अलावा इंडिया में सेलिब्रेशन बहुत आते हैं, दिवाली अपने कपड़े अलग, ट्रेडिशनल ईद अलग कपड़े, होली अलग, रक्षाबंधन और ट्रेडिशनल। तो भारत तो एक सेलिब्रेशन का एक कंट्री है, ये फुल सेलिब्रेशन होते हैं। देखो क्यों पता है, बिकॉज इंडिया वॉज रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी पहले भारत से आता था, तो भारत में इतने सेलिब्रेशन वो जमाने में भी होते थे कि दूसरी कंट्री अट्रैक्ट होती थी, और ये इंडियन करते क्या है यार इतने सेलिब्रेशन। देखो अभी आज इतने पैसे नहीं है तो भी सेलिब्रेशन तो हम धमाकेदार मनाएंगे, है ना। एवरेज शादी का खर्चा अगर देखे ना इंडिया का, तो 10 से 20 लाख का एवरेज इंडियन शादी के पीछे पैसा डालता है। अब ऐसा बहुत विदेश में नहीं होता है, उनके लिए मैरिज एक बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, बट इंडिया में जरूर है, राइट फ्रेंड्स। सो इनपे फोकस करने वाली कंपनियां भी बढ़ती है। इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर रिटेल मार्केट कैसा है, पिछले 5 साल में 10% से बढ़ा है, आने वाले 5 साल में तो 5 करोड़ शादियां आने वाली। मैं कैसे बोल रहा हूं बाद में बताता हूं, पर 5 करोड़ शादियां आने वाली है, 15 से 17% का ग्रोथ होने वाला है, तो तैयार हो जाओ दोस्तों, बड़ा धंधा है ये शादियों वाला, राइट। इसमें जो ब्रांडेड सेगमेंट है इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री, ये दोस्तों 2015 में खाली 10% था, अनब्रांडेड 90% धंधा करते थे, आज आप देखो 20% तक ब्रांड पहुंच चुकी है। 2025 में ये ब्रांड के पास 32% धंधा आएगा, तो ब्रांड्स का टर्नओवर 18-20% से बढ़ने वाला है। जस्ट रिसेंटली टाइटन ने तनेरिया लॉन्च किया, एक उनका एथनिक वेयर ब्रांड, राइट। अब हम लोग टाइटन में भी तो निवेश करते, तो टाइटन में हमने जस्ट रिजल्ट जब अपडेट किया तब तो आपको ये बताया था कि तनेरिया से अच्छी उम्मीदें हैं, ब्रांड ऑफरिंग सारीज, रेडी टू वेयर ब्लाउज, टॉल्स, दुपट्टास एंड अनस्टिचेड कुर्ताज एंड दुपट्टास विद दुपट्टास। आदित्य बिरला ने 51% स्टेक सब्यसाची में निवेश किया है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरुण तिहलानी के साथ जहां पे 34% का स्टेक खरीदा। जयपुर ई कॉमर्स में उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया। अब ऋतु कुमार अगेन रिलायंस क्या कर रहे हैं आपको पता ही है, तो ये सब क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटा धंधा नहीं है। आपकी जो वीएफएल है यानी वेदांत, ये वेदांत कंपनी
ने भी अलग अलग ब्रांड लॉन्च की हुई है। आने वाले 2025 तक और ब्रांड की आप उम्मीद कर सकते हो। तो चलो अभी धंधा देखते हैं कौन कितना कर रहा है। यहाँ पे 700 करोड़ से ज्यादा मेन सेगमेंट में धंधा करने वाली कंपनी खाली मान्यवर है। दूसरे 300 से 700 करोड़ का धंधा में नालेस है। 100 से 300 करोड़ में नीरू, ऋतु कुमार, सभ्यसाची, अनिता डोंगरे वगैरह आते हैं। ये वुमन सेगमेंट का यहाँ पे डेटा दिया हुआ, राइट। मेंस वेयर में कोई नहीं है जो 300 से 700 करोड़ या इवन 100 करोड़ में भी आता है, बराबर है। तो यहाँ पे तो मान्यवर का एक तरफी शासन है। हालांकि वुमन में उनका शासन एक तरफी नहीं है। यहाँ पे ऋतु कुमार, नीरू, नल्ली ये सब अच्छा धंधा कर रहे। माही सेगमेंट इनका 100 करोड़ वाला आता है, राइट। सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो वुमन में ऋतु कुमार की बोलबाला है, राइट। मैन में यस आपका मान्यवर की बोलबाला है, राइट। ये मान्यवर जो है ये मिड और टू प्रीमियम सेगमेंट आता है। ऋतु कुमार जो है वो लग्जरी सेगमेंट में आता है। तो इस प्रकार से अलग अलग दोस्तों पूरा सेक्टर वाइज बाइफरकेशन किया हुआ है। अब की ग्रोथ ड्राइवर क्या है जिससे हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन मार्केट तगड़ा बढ़ेगा। एक तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया करीबन करोड़ शादियां साल की हम हर साल देखने वाले हैं। एवरी ईयर अराउंड 1 करोड़ वेडिंग और बाराती अलग उसमें नाचने वाले हैं। मल्टी डे एंड मल्टी इवेंट वेडिंग सेलिब्रेशन इंडिया में बहुत होंगे। जैसे अलग अलग इंडिया में सेलिब्रेशन होते हैं जो मल्टी डे और मल्टी इवेंट होता है। इंडिया की शादी एक दिन की थोड़ी ना होती है, ये एक लंबी चलने वाली विधि है। 9-10 साल दिन की तो शादी होती है ये इंडिया में, राइट। इंडिया में अलग अलग सेलिब्रेशन जैसे गणेश चतुर्थी 10 दिन चलेगी, अलग अलग सेलिब्रेशन ज्यादा दिन। राइजिंग इनकम लेवल ये आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को बढ़ाता है। आप जितना ज्यादा कमाओगे ज्यादा खर्चा करोगे। एडिशन ऑफ न्यू कैटेगरीज सच एज इंडो वेस्टर्न वेयर, राइट। इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ वेयरिंग एप्रोप्रिएट सेलिब्रेशन वेयर, अब जैसा त्योहार ऐसे कपड़े। इंक्रीजिंग एसोसिएशन विद ब्रांड इन सेलिब्रेशन एथनिक एप्रल। शिफ्ट फ्रॉम पहले लोग सिलाते थे, अभी शिफ्ट देख रहे हम रेडीवेयर एथनिक एप्रल चाहिए। पेनेट्रेशन कंपनियों का मेगा सिटी से निकल के टियर 1, टियर 2, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी अब ये कंपनियां चाह रही है। तो लोगों के लिए भी आसानी होती है कपड़े खरीदने की। देखो यही वो डेटा है जो मैं आपको कह रहा हूं। 136 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया में, 34% एलिजिबल बैचलर है ना, 34% 20-39 की एज में है। हम इसीलिए कहते हैं दोस्तों, देखो 28 करोड़ अनमैरिड पॉपुलेशन का एक एस्टिमेट है भारत में, 28 करोड़ अनमैरिड लोग, यही वो लोग है दोस्तों जो Naukri.com जैसी कंपनियों के लिए भी फोकस पे आते हैं। इसलिए हम तो वहां पे भी कहते हैं कि 1 करोड़ जॉब चाहिए इन्हीं डेटा के आधार, राइट। 10 करोड़ 10 साल में चाहिए तो शादी भी तो चाहिए, राइट। अंदाजे से ये 1% अगर हम गिने इनका 28 करोड़ का, राइट, अनमैरिड पॉपुलेशन में, एज्यूमिंग द लॉन्गेविटी ऑफ यंग पॉपुलेशन, ऑल्सो एज्यूमिंग द ओवरऑल एलिजिबल population including new entrants get married in a coming 20 years, हमारा यह अनुमान है कि करीबन करोड़ लोगों की हर साल शादियां होगी। तो 10 साल की 10 करोड़ शादियां, ह्यूज ग्रोथ, राइट। अब इनके अलावा ये पूरा लिस्ट है आपके सेलिब्रेशन का। लोहरी 2 दिन चलती है, मकर संक्रांति 2 दिन होती है, हमारे गुजरात में 2 दिन लोग छत पे होते हैं, चश्मे के वाले धंधे सब चलने लगते हैं यहाँ पे, तो अलग अलग सेलिब्रेशन। देखो पोंगल, रिपब्लिक डे में हम सब लोग व्हाइट कपड़े पहन के यस चले जाते हैं, वसंत पंचमी 1 दिन, तो अलग अलग त्योहार, अलग अलग उनका, अलग अलग फाइनेंशियल सेगमेंट होते हैं इनके, अलग अलग साल क्वार्टर में आते हैं और ये धंधों को बूस्ट करते हैं दोस्तों,
राइट। अब सेलिब्रेशन वेयर ब्रांड बाय द कंपनी, कौन सी कंपनी है, कौन से सेगमेंट को फोकस करती है? वेदांत फैशन मैन वुमन किड पे फोकस कर रहे हैं। TCNS क्लोथिंग भी एक लिस्टेड कंपनी है जो वुमन पे फोकस करती है, उनकी ब्रांड W आपने देखी होगी राइट। एयरपोर्ट पे भी इनके कई शोरूम आप लोगों ने देखे होंगे। ऑरेलिया, विशफुल, स्वयंवर, ये मैन के लिए ब्रांड है। सोच एप्रल स्पेशली फॉर वुमन, ऋतु कुमार वुमन। इसी प्रकार से अलग अलग ब्रांड, अलग अलग सेगमेंट और अलग अलग प्लेयर। हम देखें किसके EBO सबसे ज्यादा है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। तो यहां पे हम देखें, डेटा आपके सामने है, वेदांत VFL 530 EBO इन लोगों के ऑलरेडी है। साथ में TCNS जो है वुमेन्स में, उनके भी कई ब्रांड्स हैं, कई EBOs हैं, 551। बाकी दूसरे कोई भी इनके कंपटीशन में नहीं आते हैं राइट। बहुत कम आउटलेट है। अगर आप की फाइनेंशियल पैरामीटर देखो तो मैं यहां पे खास खाली प्रॉफिट देखूंगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपके वेदांत की है सबसे ज्यादा, बाकी जो कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंस में तो इतनी है नहीं। वुमेन्स में देखो TCNS एक प्रॉफिट कर रहा है, देखो उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी लिमिटेड है राइट। तो टॉप प्रॉफिटेबिलिटी में हम किसको थम्स अप देंगे, वेदांत को थम्स अप देंगे। दूसरे अगर पैरामीटर हम देखें, प्रॉफिट मार्जिन एक टॉप पैरामीटर आपके वेदांत के सबसे बढ़िया है, VFL इज एट टॉप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, VFL इज एट टॉप। डेट पेइंग कैपेसिटी, VFL इज एट टॉप। गेयरिंग, यस VFL इज अ डेट फ्री कंपनी। इन्वेंटरी डेज मे बी कंफर्टेबल है। सो एवरीथिंग, यस वी कैन से वेदांत इज अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। इनके अलावा अगर हम आपके वुमन ब्रांड में भी यही डेटा देखें तो TCNS के भी मार्जिन है, पर देखो खाली 6%, स्टिल दे आर नॉट कंपेरेबल विथ योर वेदांत। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गुड बट नॉट कंपेरेबल अगेन विथ योर वेदांत। डेट पेइंग कैपेसिटी 6 की है, डेट फ्री कंपनी है TCNS राइट। अगर आप इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन देखो, none of the companies are comparable. Your VFL is having top margin. Return on capital employed, your VFL is top. You check debt paying capacity, VFL is top. So, har jagah pe overall ROC and operating profit before depreciation, income and interest and tax. कंपेयर करो जो लिस्टेड है राइट। यहाँ पे एशियन पेंट देखो, एशियन पेंट लिस्टेड हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, बट यस दैट्स अ वेरी गुड कंपनी फ्रॉम पेंट इंडस्ट्री फ्रॉम रिटेल। तो आप एशियन पेंट, टाइटन, ब्रिटानिया, आदित्य बिरला, डाबर, मरीको, पिडिलाइट, पेज, रिलैक्सो को भी कंपेयर करो पेज से। ये सब पुराने खिलाड़ी है। इनमें से कुछ कंपनियां मैं डिस्क्लोजर बता दूं, हमारे पास बरसों से है। एशियन पेंट वी आर होल्डिंग, टाइटन वी आर होल्डिंग, ब्रिटानिया वी आर होल्डिंग। वी हैव नेवर एवर रिकमेंडेड आदित्य बिरला फैशन बिकॉज दैट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। डाबर मरीको आर गुड कंपनी बट वी आर नॉट होल्डिंग। पिडिलाइट वी आर होल्डिंग, दैट्स अ वेल्थ क्रिएटर। पेज एंड रिलैक्सो वी आर होल्डिंग। और VFL के बारे में भी हम सोच सकते हैं भविष्य में। देखो कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ। यार देखो कितना आसान है, योर कंपनी इज कंपेरेबल। अगर आप 3 साल के डेटा देखो तो 3 साल के हिसाब से भी टिल 2021 देखो, योर मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज का जो ग्रोथ है VFL कंपेरेबल है, अच्छा ग्रोथ है। इन्हीं सब कंपनियों के नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपेयर करो तो भी VFL अच्छा है। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करो तो भी अच्छा है राइट। तो यस ये सारे ही वेल्थ क्रिएटर है कुछ को छोड़ के, पर VFL भी अच्छा है उनके सामने, बुरा नहीं है। ऑपरेटिंग इनकम टाइटन की सबसे तगड़ी है, VFL on number 2। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ देखे पिछले
तीन सालों के 17 से 20 VFL, टाइटन, रिलैक्सो और लीडर। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे, आदित्य बिरला मेकिंग लॉसेस, ईयर VFL मार्जिन आर बेस्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने देख लिया है, पेज का सबसे ज्यादा है, राइट, VFL इज ऑल्सो गुड, सो नो नीड टू वरी दोस्तों। अब इतना डेटा यार कितना देखने का, फिर खराब हो जाएगा दिमाग, राइट। देखो इतना क्लियर है, कोई भी इंडिकेटर से देखो VFL खरा उतर रहा है, राइट, खुद के प्लेयर के साथ भी और वेल्थ क्रिएटर के साथ भी। तो चलो वेदांत की कुछ और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लेते हैं। मान्यवर इनकी एक ब्रांड है जो इन्होंने 1999 में लॉन्च की थी, जो मैन और बॉयज की फ्लैगशिप ब्रांड है। मोहे इनकी एक ब्रांड है जो वुमेन्स फ्लैगशिप ब्रांड है, ये 2015 में लॉन्च की। मेबास 2017 में आए, मंथन 2018, त्वमेव 2019। टोटल ईबीओ 535 है, सो दैट्स ग्रेट। 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट के इनके टोटल सब मिला के शोरूम हुए। 212 सिटी में ये पहुंच चुके हैं। आने वाले 5 साल में हो सकता है हम यहाँ पे और 500 सिटी तक हम पहुंच जाए। यूएस, कैनेडा, यूएई यानी इंटरनेशनल स्टोर भी करीबन 11 है। सो यस वी कैन से द कंपनी इज ग्रोइंग। सेगमेंट वाइज देखे दोस्तों तो इनको मान्यवर ही 80% टर्नओवर देता है। तो देखो दूसरी बात हम हजार कर सकते हैं, पर बड़ा धंधा कौन देता है, मैंस मान्यवर, तो ये इनका फोकस्ड बिजनेस है। फॉर्मेट भी हम हजार अलग अलग फॉर्मेट की बात कर सकते हैं, वी आर डूइंग गुड ऑन ई-कॉमर्स, लेकिन इनका बड़ा फॉर्मेट कौन सा है, ईबीओ, जो इनको 92% का टर्नओवर दे रहा है, राइट, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। ईबीओ इनके लिए मेन है। पूरे भारत में देखो स्टोर फैले हुए, 40 से ज्यादा स्टोर इनके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बंगाल में है और यूपी में, बाकी जगह थोड़े कम स्टोर है, कल बढ़ेंगे, राइट। टाइमलाइन 2010 में 100 स्टोर थे इनके, जो धीमे धीमे बढ़ते चले गए। 2011 में दुबई में लॉन्च हुआ, 2012 में 200 स्टोर पहुंचे और 100 करोड़ का टर्नओवर, 2013 में 300 स्टोर और 100 सिटीज में पहुंचे, 2014 में मोहे आया, 2016 में यूएस पहुंचे और 500 करोड़ का टर्नओवर किया, 2017 में मेबाज इन्होंने अक्वायर किया, ये देख के केदार कैपिटल में निवेश किया और अभी ये लोग थोड़ा लिक्विड कर रहे हैं। पर 22 में पीयूष पटेल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि ये आईपीओ लेके आए, दिस इज देयर टाइमलाइन। शायद 2030 में आप लिख सकते हो मैंने 2022 में पैसा डाला और मेरा वेल्थ क्रिएट हुआ, जस्ट कह रहा हूं ऐसा नहीं है। रेटिंग क्या दे सकते हैं दोस्तों, लेट अस डिस्कस व्हाट शुड बी देयर बेटर रेटिंग। मार्केट शेयर में नंबर वन है तो इनको रेटिंग देना चाहिए वन, पर रिटेल सेगमेंट ओवरऑल अप्रैल का देखे ना तो थोड़ा कम रेटिंग पे आ जाता है, राइट, तो इनको आधा मार्क यहाँ पे देना चाहिए। कंसिस्टेंसी ग्रोथ की इनकी बहुत अच्छी, राइट, तो यहाँ पे इनको स्टार मिलना चाहिए। वैल्यू अच्छी नहीं है, महंगा है, तो वैल्यू बाइंग आप करोगे भविष्य में, जब कभी फॉल आएंगे यू शुड मेक वैल्यू बाइंग, हम एक स्टार दे सकते। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी तगड़ी है, एवरेज ICR, डेट फ्री कंपनी, बढ़िया प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, एक स्टार। लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी गुड, डेट टू इक्विटी रेशियो गुड, करंट रेशियो एक स्टार, 3.5 स्टार दोस्तों हम जरूर इस कंपनी को देंगे, जरूर दोस्तों हम लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। वैल्यूएशन हाई है तो ध्यान रखो, जब आपको मौके मिलते हैं, जब आपकी यील्ड 2-3% होती है, कौन से केस में होगी, या तो प्रॉफिट बढ़ेंगे तो यील्ड बढ़ेगी और शेयर सस्ता होगा, या शेयर गिरे तो यील्ड बढ़ेगी, दोनों ही केस में ध्यान रखो ना, कोई भी कंपनी पे टूट नहीं पड़ने का। ये अच्छी कंपनी है, मेरे को पेज भी अच्छी लगी थी, मेरे को टाइटन भी अच्छी लगती थी, हमने देखी कंपनी, हमने धीमे 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 स्टेक बढ़ाना चालू किया। प्रमोटर बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, अगर वो अपनी प्रॉमिस पे खरे उतरते हैं, आप ज्यादा निवेश करो क्या फर्क पड़ता है, राइट, सो यस मैं यहाँ पे वेल्थ उम्मीद करूंगा दोस्तों लंबे समय में, बराबर है। पीयर ग्रुप
लिस्टेड कंपनी से मैं कंपेयर करूं, TCNS अभी वही भाव पे चल रही है जो भाव पे IPO आया था, राइट। कारण हमने देख लिए, प्रॉफिट में थोड़ा प्रॉब्लम है। पेज इंडस्ट्री का ये डेटा आपके सामने है, 120 गुना पैसा बनाए यहाँ पे। डेट फ्री कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी, निश मार्केट में तगड़े खिलाड़ी। देखो हम लोग कितने बरसों से निवेश किए हुए हैं और हर बार हमने रिकमेंड किया है फॉल में बाय करो। ये महंगा ही रहता है, यही चीज मैं आपको इधर भी कहूंगा, बाय ड्यूरिंग फॉल। ये कंपनी आपको हर क्वार्टर में डिविडेंड भी देती है, सो डेट्स अगेन ग्रेट थिंग। रिलैक्सो देखो, 1000 गुना हुआ है यार पिछले 3 दशक में। वी आर इन्वेस्टेड सिंस 2010 एंड वी आर रिकमेंडिंग इवन टूडे। दैट्स अ ग्रेट कंपनी, कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है। रिलैक्सो, टाइटन, अब ये टाइटन है, 400 गुना यहाँ पे हुआ है पैसे पिछले 2 दशक में। कंसिस्टेंट डिविडेंड, टाटा का ब्रांड नेम, जरूर पैसा लगना चाहिए, राइट। और आज हमने कौन सी कंपनी डिस्कस की, VFL। VFL में क्या मैं ऐसे चार्ट बता पाऊंगा कि वो TCS जैसा चार्ट होगा, TCNS जैसा। देखो मैं क्या उम्मीद करता हूं वेदांत कंपनी से, 2030 में यानी आने वाले 8-1 सालों में इनका धंधा करीबन 4000 करोड़ के करीब पहुंचेगा। 3700 करोड़ टर्नओवर की मेरे को उम्मीद है। प्रॉफिट 701 करोड़ पहुंचेंगे। EPS 30 के करीब पहुंचेगा। तो मैं आज 800 डाल के मेरे को खाली 10 रुपया मिल रहा है, 2030 में मेरे को 30 रुपया मिलेगा। तो मेरी हो गई ना यील्ड, बढ़ गई। कितनी यील्ड हुई, गेन लो, राइट। भाव में 1300 रुपए की तो फेयर वैल्यू उम्मीद करूंगा, तो 2-1 हजार तो भाव होगा कि नहीं। मैं कंसिस्टेंट डिविडेंड मुझे मिले ऐसी उम्मीद रखूंगा, पर फॉल में दोस्तों बाइंग करने का, राइट। डिस्क्लोजर में बता दूं दोस्तों, पीयूष पटेल ने बोला इसलिए बाय मत करो। देखो मैंने भी पुराना फोटो यहाँ पे रखा हुआ है अपना विद एथनिक वेयर, राइट। सो डिस्क्लोजर, मेरे कहने से बाय मत करो, राइट। आप डेटा देखो, पसंद आता है बाय करो और चूक मत पड़ो ना यार, धीमे धीमे स्टेक बढ़ाते जाओ एज यू आर कंफर्टेबल, किसी की नहीं सुनने की, डेटा देख के काम करने का, राइट। तो अगर आपको ये सारी चीजें जो हमने आज डिस्कस की आपको लगता है आपको भी सीखनी है, तो हमारी अलग अलग बैच स्टार्ट होगी दोस्तों। मार्च महीने में एक नई बैच हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको रिसर्च सीखना है, इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। खाली सीखना है तो हमारी ऐप है जहां पे फ्री में सब डेटा अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो, वेबसाइट पे लॉग इन करो, सीखना चालू करो। हम साथ में तो है ही ना परसों से, राइट। आज जो हमने डिस्कस किया, अगर आपको पसंद आया हो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप कौन सी कंपनी में निवेश करने वाले हो। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आप सबका।